तो गाइज अभी पहुंच चुके हैं शादी में, और ये देखो अपने घर के मतलब ज्यादा दूर नहीं है, घर से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो जी गाइज अभी हो रहे हैं टाइम 1:00, 1:06। तो गाइज अभी शादी में आ गए हैं होटल रॉयल हवेली। तो गाइज हमने मैगी डाल दी है इसमें। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज चुके हैं, और टिंकल को क्या की पुपू आ गई थी तो ये पुपू करने गई थी, इसलिए मैं उठ के आया था। और इसकी मम्मा सो रही है, सो तो कह रही है, अभी सब उठ चुके हैं क्योंकि अभी मैं वेट कर रहा हूँ फ्रिज वाले अंकल का, क्योंकि वो कल आए थे रात में तो फ्रिज उन्होंने देखा था, मतलब उसका कोई कंप्रेसर का कोई रिले वगैरह होता है फ्रिज का, तो इनको बोल लेने दो पहले। तो उसका कोई रिले होता है, कोई कंप्रेसर में लगता है छोटा सा प्लग टाइप का आता है, तो वो कोई ख़राब बता रहा था वो, तो रात को तो वही लगा गया था जो अपने फ्रिज का था। लेकिन अभी मैंने फ़ोन किया तो बोले भैया मैं नया खरीद के ला रहा हूँ, तो रात को भी पेमेंट तो वो लेके गया था। अब देखते हैं अभी कितना खर्चा आता है उसमें, तो वो रिले लेकर के आ रहा है, फिर रिले लगाएगा तो देखते हैं फिर। और इसको चिल्ला लेना तो पूरे जगत की चिल्लाना यही बन रही है। और गाइज आज टिंकल ने फ्रॉक पहन रखी है, जो कि देखो कितनी प्यारी लग रही है। टिंकल हेलो करो, देखो कितनी प्यारी फ्रॉक लग रही है आज टिंकल की, तो देखो इतनी अच्छी फ्रॉक बन मतलब पहन रखी है इसने। तो अभी टिंकल आ गई है, अब इसके लिए कोई मैगी वैगी बनाते हैं या कुछ इसको खिलाते हैं, क्योंकि भूखी है बच्ची दिन भर से, तो इसको दूध पिलाएंगे या कोई मैगी वैगी बना के खिलाते हैं। बोलो जोर से बोलो, आवाज ही नहीं जा रही। आप शादी में चलोगी क्या? हाँ चलेंगे ना, शादी में चलेंगे। तो ना कपड़े पहन क्यों? तो गाइज आज टिंकल की छुट्टी है ट्यूशन की, तो ये ट्यूशन जाएगी नहीं आज, तो ये आज शादी में जाएगी, इसलिए आपसे पूछ रही है कि आप शादी में चलोगे क्या। तो अभी इसकी मैगी वैगी बनाते हैं, मैगी मंगवाते हैं। तो गाइज अभी हम बना रहे हैं मैगी, और हमारे पास है यिप्पी मैगी, क्योंकि वो वाली मैगी मिली नहीं, तो इसमें थोड़ी देर पानी चढ़ाया है और गैस को लो फ्लेम पे हमने चालू कर दिया है। तो एक बार मैगी बनाते हैं, तो डालता हूँ अभी मैं मैगी फाड़ के। तो गाइज हमने मैगी डाल दी है इसमें, अब इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा है ना गैस मतलब इसमें पानी में आ जाए, क्योंकि ज्यादा पानी डालेंगे ना तो फिर ज्यादा पानी हो जाएगा, तो इसमें डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा थोड़ी देर अब चलने देते हैं गैस को। अभी पानी ठीक है, और इसको कर लेने दो, शोर कर लेने दो इसको पहले एक बार, ये काम वाली भाई है ना हमारे। तो गाइस एक बार बना लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे, और एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ मैं, तो वो आपसे बाद में शेयर करूंगा, पहले ही बना लेता हूँ। तो गाइज ये अपनी मैगी रेडी हो चुकी है बनकर, जो कि मैंने बनाई है, और टिंकल की यहाँ निकाल दी है फीकी वाली, क्योंकि ये फीकी खाएगी। तो अभी बस मैगी खाते हैं, फिर एक बार वो फ्रिज वाले भैया आएंगे, पड़ोस में एसी सही कर रहे हैं वो, तो एसी लगा के वो वापस आएंगे, क्योंकि फ्रिज अभी भी ठीक नहीं हुआ है। वो चेक तो करके गए थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और ये रही टिंकल, तो ये खाएगी, तो इसको खिलाते हैं अभी, और मैगी खाते हैं अपन भी, तो चलो एक बार खा लेते हैं मैगी। हाँ तो गाइस ये सूरज सापा बनवा के लाया है, जो कि मेरे खोपड़ी में आ रहा नहीं है, फिर भी एक बार ट्राई किया है मैंने, तो एक बार बताना कैसा लगा। इसके पूंछड़ी भी है पीछे, पूंछ भी है मतलब, तो ये सूरज बनवा के लाया है, कोई मंगाया इससे, शादी में जाएगा ये लेकर के इसको, तो ये लगा के देखा है। हेलो हेलो बताना हाउ इज इट है। तो गाइस रेडी हो चुके हैं और निकलने की तैयारी है बस, तो बस जा रहे हैं एक बार, ये लोग बैठ जाएं, गोलू आ रहा है गाड़ी खड़ी करके, ताला लगा के गेट पे, फिर बैठेंगे और सीधा निकलेंगे शादी में। We're gonna make it.
ट्रैफिक देख लो, संडे के दिन भी कितना ट्रैफिक है। और अभी फिर से हम पहुंच चुके हैं डीसीएम, और ये डीसीएम की पहले वाली लाइट है, रेड लाइट ग्रीन हो गई है। तो गाइज अभी पहुंच चुके हैं शादी में, और ये रहा सूरज, वो पीछे गोलू है। तो अभी चलते हैं एक बार अंदर और दिखाते हैं फिर। तो जी गाइज अभी हो रहे हैं टाइम 1:00, 1:06, और अब घर पहुंच गए। ये देखो तो ये गोलू जा रहा है ताला खोलने, अभी शादी में से आए हैं। और टिंकल तो सो भी गई है, ये देखो सूरज की गोद में सो रही है। अरे 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 तो वो ताला खोल रहा है, और ये टिंकल बेटा सो रही है ये सूरज की गोद में। तो अभी इसमें तो दिख रहा नहीं होगा, लेकिन इसमें दिख रहा है बिल्कुल। तो अभी एक बार गाड़ी पार्क करेंगे अंदर, गोलू बुलेट को निकालेगा, फिर उसके बाद गाड़ी खड़ी करेंगे। और 1:00 आने में, अब सोएंगे। तो गाइस फिलहाल अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30, और अभी मैं खड़ा हूँ गनगोरी हॉस्पिटल, क्योंकि गुड्डी की तबीयत ख़राब हो गई अचानक, पता नहीं क्या हो गया, पेट में दर्द हो गया बहुत तेज। तो अभी गनगोरी हॉस्पिटल लाया हूँ, और इमरजेंसी में डॉक्टर देख रहे हैं, फिर पता चलेगा क्या हुआ, कोई शायद गैस्ट्रिक का दर्द है। और अभी मैं रात को 2:00 सोया था, और अभी उठा हूँ 4:00, तो 14 घंटे की नींद कवर की है। पूरी रात सो रहा था, दिन भर सो रहा था, और अभी 4:00 उठा हूँ। जब टिंकल को ट्यूशन छोड़ने के लिए बोले ना, तब उठना पड़ा। तो ये पीछे मेरे हॉस्पिटल का मेन गेट है यहाँ से, तो अभी देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो हॉस्पिटल आना पड़ा है अचानक, तो क्या करें। और ये देखो अपने घर के, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है घर से, 1/2 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ये देखो गनगोरी हॉस्पिटल, ये पार्किंग है, और ये इधर से इसका मेन गेट है। तो चलते हैं अंदर। वहां से रजिस्ट्रेशन होता है, और वैसे बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। कैंटीन है इधर नीचे, कैंटीन तो बंद हो चुकी है, नहीं चालू है कैंटीन। देखते हैं क्या बोलते हैं डॉक्टर। ये है इमरजेंसी का गेट, और वो खड़ी सामने मम्मी, तो देखते हैं कितनी देर में होते हैं फ्री। तो गाइज अभी शादी में आ गए हैं होटल रॉयल हवेली, जो कि सी स्कीम में है। तो अभी गोलू और नाश्ता कर रहे हैं, तो एक बार इनको नाश्ता करने देते हैं। ये इधर बैंक्वेट हॉल है इनका, और गोलू और रवि उधर नाश्ता कर रहे हैं। रवि लग रहा होगा प्लेट में लेने के लिए, संघर्ष कर रहा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। तो एक बार नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइज शादी में से घर आ गया हूँ, एंड कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। और बहुत नींद आ रही है, 11:00, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।